इलेक्ट्रॉनिक माध्यम टेलीग्राफ। 1837 में सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ की खोज किया, जिससे सूचना को विद्युत तारों के माध्यम से त्वरित भेजा जा सकता था। टेलीग्राफ मशीन के कारण अब अखबारों के प्रकाशकों के पास पहले की तुलना में अधिक खबरें आने लगी। अखबारों के लिए खबर इकट्ठी करने की प्रक्रिया में समय बहुत महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। उदाहरण के लिए, किसी अखबार को कोई राजनीतिक घटना या कपास के दाम में कमी या वृद्धि की सूचना का जल्दी मिलना उसकी बिक्री को बढ़ा सकता था। टेलीग्राफ के माध्यम से सूचनाओं के तीव्र प्रवाह के कारण वस्तुओं की कीमतों में समानता आने लगती है। अब सूचनाएं उद्योगपतियों व व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन बन गई। टेलीफोन। टेलीफोन के जरिए तारों के माध्यम से आवाज पहुंचाई जा सकती थी और दो लोग सैकड़ों किलोमीटर दूरी से एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876-77 में टेलीफोन का आविष्कार किया था और कुछ ही वर्षों में यह भारत सहित विश्व भर में उपयोग किया जाने लगा। बड़ी कंपनियां इसके तार बिछाने और मशीन उपलब्ध कराने के काम में लग गई। रेडियो। बिना तार के आसमान में मौजूद रेडियो तरंगों के माध्यम से संदेश और आवाज़ पहुंचाने का काम तार विहीन रेडियो करता है। 1901 में इटली के मार्कोनी ने सर्वप्रथम अटलांटिक महासागर के पार प्रसारण करके इतिहास रचा था। इसके पूर्व विद्युत तारों के माध्यम से ही दूर संचार संभव था। समुद्रों में और जहां तक विद्युत तार न बिछे हों, वहां सूचनाओं का संचारण बाधित हो जाता था। प्रारंभ में यह केवल सैनिकों और जहाजों के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन 1920 के बाद यह मास मीडिया की शक्ल लेने लगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका में रेडियो प्रसारण स्टेशनों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, जिसमें बड़ी संख्या में गैर सरकारी और बिना लाइसेंस वाले रेडियो स्टेशन खुले। 1930 तक 40% अमेरिकी घरों में रेडियो पहुंच गया। शुरुआती रेडियो स्टेशनों से अधिकांशतः संगीत कार्यक्रमों के प्रसारण किए जाते थे। बाद में नाटक, कॉमेडी, वार्ता और शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाने लगे। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान रेडियो चैनल युद्ध की खबरों के प्रसारण के साथ साथ देशभक्ति को उभारने वाले विविध कार्यक्रमों का प्रसारण करने लगे। इस दौर में राजनैतिक अपील और चुनाव प्रचार के लिए रेडियो महत्वपूर्ण उपकरण बन गए। 1920 के मध्य से दूसरे औद्योगिक देशों जैसे फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, रूस, इटली में भी सामुदायिक उपयोग वाले रेडियो स्टेशन शुरू हुए। 1930 में भारत में सार्वजनिक प्रसारण के लिए ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी की शुरुआत हुई। प्रसारण के माध्यम से लोगों को सूचनाएं मुहैया कराना, शिक्षित करना एवं मनोरंजन करना इसके प्राथमिक कर्तव्य माने जाते हैं।